नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। खबर अंबिकापुर से है, जहां प्रदेश सरकार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर राम के नाम पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा रायगढ़ में राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन 1 जून से 3 जून तक किया जाना है, जिसको लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री और संस्कृत मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है कि भगवान राम का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में सरायपाली ब्लॉक के ग्राम कुंडापाली के ग्राम कुंडापाली में लोगों को राशन लेने के लिए गांव से कई किलोमीटर दूर संचालित राशन की दुकान पर जाना पड़ता है, लेकिन सेल्समैन द्वारा वितरण के लिए आए 2 महीने के राशन का गबन कर लिया गया और उपभोक्ताओं को राशन तक नहीं दिया जा रहा, जिससे उपभोक्ता राशन दुकान के चक्कर काटने को मजबूर है, जिसकी शिकायत लेकर ग्राम कुंडापाली के कई ग्रामीण सरायपाली एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां सेल्समैन की मनमानी और चावल गबन कर लिए जाने की लिखित शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की भी मांग करते हुए दिखाई दिए, जिस पर अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है और जल्द ही राशन उपभोक्ताओं को वितरण करवाने का आश्वासन भी दिया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर सांसद दीपक बैज अपने एक दिवसीय बीजापुर दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी अध्यक्षता में सड़क समिति और सड़क सुरक्षा समिति के साथ एलडीएम की बैठक संपन्न हुई है। जहां इस बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं से सांसद बैज ने मुलाकात की, वहीं बीजापुर में चल रहे जिला प्रशासन बीजापुर और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के साथ पकोर पंडुम समर कैंप में सांसद बैज बतौर अतिथि मौजूद हुए, जहां सांसद बैच को अभिवादन किया गया और पकोर पंडुम समर कैंप में कुल 1200 बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। खबर जगदलपुर से है, जहां नगरनार क्षेत्र निवासी पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। गांव में मेले से वापस के दौरान जान पहचान के 2 व्यक्तियों ने जबरन सामूहिक बलात्कार किए और पीड़िता को वहीं छोड़कर फरार भी हो गए। वहीं पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है और मामले की अब जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो वहीं खबर जगदलपुर से है, जहां कलेक्टर विजय दयाराम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का जायजा लिया। साथ ही कलेक्टर ने अस्पताल में मरीजों और परिजनों से शासन द्वारा की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली है। वहीं इस निरीक्षण में कलेक्टर ने पीओडी में स्वयं लाइन में लगकर अपना पंजीयन कराया और अस्पताल के नृत्य जांच कक्ष में अपनी आंखों की जांच भी करवाई है। इस दौरान डीएम ने निरीक्षण किया और डीएम ने अस्पताल की आवश्यक संसाधनों के साथ व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा भी की है। खबर जगदलपुर से है, जहां कृषि विभाग के प्रमुख सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त कमलप्रीत सिंह ने तुरेनार स्थित ग्रामीण औद्योगिक पार्क में संचालित आर्थिक गतिविधियों का अवलोकन किया। इस मौके पर उनके साथ बस्तर डीएम विजय दयाराम भी मौजूद रहे। तो तुरेनार औद्योगिक पार्क का निरीक्षण करने इस दौरान जो कई अधिकारी पहुंचे थे, तो वहीं तुरेनार ग्रामीण औद्योगिक पार्क का अवलोकन भी किया गया है, जिसकी तस्वीरें प्राइम टीवी आपको आप तक पहुंचा रहा है। कमलप्रीत सिंह ने इस पार्क का अवलोकन किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जिलाध्यक्ष नवनीत चांद के नेतृत्व में ग्राम पुष्पाल की ग्रामीणों ने ग्राम विकास की मांगों को लेकर बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि जन चौपाल के माध्यम से पुष्पाल गांव के सामने आई समस्याओं को लेकर पुष्पाल के ग्रामीणों के साथ बस्तर अधिकार मुक्त मोर्चा के प्रमुख संयोजक और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जिलाध्यक्ष नवनीत चांद कलेक्टर से मिले और उन्हें गांव में सीसी रोड निर्माण के साथ सोलर पंप नाली निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा और उनसे चर्चा भी की है। दावा कर रही है तो वही वो सच्चाई हम जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को दिखाना चाह रहे हैं, जहां छोटी छोटी समस्याओं के लोग वर्षों से वंचित हैं। वहाँ सीधी सड़क की मांग है, वहाँ पुलिया की मांग है, जहाँ बारिश में पानी पूरा भर जाता है, लोग आवाजाही नहीं कर पाते, पेयजल शुद्ध पेयजल की मांग है। इन सब मुद्दों को लेकर आज हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और एक निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस वास्तविक समस्या के समाधान हेतु काम किया जावे।
छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।